आज के इस मॉडर्न और सोच से भी ज्यादा खराब वर्ल्ड में अगर आपको कोई अहिंसा के रास्ते पर चलता हुआ नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि बापू उसके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ चुके हैं। लेकिन ऐसे लोग जरा कम ही मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं अचानक बापू और अहिंसा की बातें क्यों कर रहा हूं? तो मेरे ऐसा कहने के पीछे की वजह है आज दुनिया में हो रही तबाही। भाई देखा जाए तो आज 35.4 मिलियन इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, लेकिन सोच के मामले में आज भी कई भारतीय अहिंसा से कोसों दूर हैं और हिंसा के एकदम नजदीक। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। महात्मा गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लोगों को अहिंसा के रास्ते पर चलने की नसीहत दी, देश को आजाद कराया और भारत माता को दुनिया में सम्मान दिलाया। हालांकि बापू के अहिंसा के रास्ते को समझाने के लिए मुन्ना भाई जैसी फिल्म भी बनाई गई। और आज हम बात करेंगे बापू यानी महात्मा गांधी की कुछ खास बातों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म होता है। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे और माँ पुतलीबाई। अब ये बात तो सब जानते हैं कि गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने में अहम रोल निभाया है, लेकिन सवाल ये आता है कि मोहनदास अचानक महात्मा कैसे बन गए? तो असल में कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी को सबसे पहले 1915 में राज वैद्य जीवराम कालिदास ने महात्मा कहा था। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी को 1915 में स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा कहा था। हालांकि आमतौर पर यह माना जाता है कि 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को एक पत्र लिखकर महात्मा कहा था। इस पत्र के बाद गांधी जी के साथ रहने वाले लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाने लगे। इसके बाद ये नाम इतना फेमस हो गया कि अखबारों में छपने लगा। अब ये बात देश का बच्चा बच्चा जानता है कि महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे, फिर वापस भारत लौटे, बाद में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की, अप्रवासी अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह किया। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मोहनदास करमचंद गांधी देश के राष्ट्रपिता बन गए और हर भारतीय उन्हें बापू क्यों कहने लगा। देखिए, देश की आज़ादी के लिए बापू ने कई आंदोलन किए, जिसमें सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च जैसे बड़े आंदोलन रहे हैं। इसके अलावा गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सौहार्द और एकता बढ़ाने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने समाज और आर्थिक सुधार के लिए भी काम किया। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने अपना सब कुछ लुटा दिया। सादगी से जीना और आत्मा को साफ रखना उनकी सोच थी। सिर्फ एक धोती में उन्होंने मीलों की पद यात्रा की। उस दौरान वो कई आश्रमों में भी रहे और तभी वो लोगों के लिए महात्मा से बापू हो गए। दरअसल महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहने का क्रेडिट जाता है सुभाष चंद्र बोस को। वो सुभाष ही थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सम्मान दिया था। वजह थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका खासा योगदान, जिसके वो चीफ लीडर थे, और तभी से राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल उनके सम्मान में किया जाने लगा। 1899 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे तो उस वक्त सेकेंड बोर वॉर में उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर भी काम किया। उन्होंने लोगों की मदद की और यहीं उन्होंने टेरर ऑफ वॉर को बड़े ही नजदीक से देखा और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े। गांधी जी का सिविल राइट्स आंदोलन कुल 4 महाद्वीपों और 12 देश तक फैला हुआ था। और जानते हैं, 70 साल की उम्र में 46 किलो वजन होने के बाद भी गांधी जी रोज 10 किलोमीटर पैदल चलते थे और सिर्फ 5 घंटे सोते थे। उन्होंने अपनी लाइफ के 6 साल 5 महीने जेल में बिता दिए। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 13 बार गिरफ्तार हुए और इस दौरान उन्होंने 17 बड़े अनशन किए थे। साथ ही वो लगातार 114 दिन भूखे भी रहे। इतना ही नहीं, भारत में गांधी जी के नाम पर टोटल 58 सड़कें हैं। गांधी जी की मदद से साउथ अफ्रीका के डर्बन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में कुल 3 फुटबॉल क्लब बनाए गए। और तो और, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संघर्ष के दौरान गांधी जी ने जोहान्सबर्ग से 21 किलोमीटर दूर एक 1100 एकड़ की छोटी सी कॉलोनी टॉलस्टॉय फार्म की नींव रखी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को आज़ादी शुक्रवार को मिली थी और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और इत्तेफाकन उस दिन भी शुक्रवार ही था। तो ये थी महात्मा गांधी के बारे में कुछ वो अनसुनी बातें जो आपके लिए शायद अनजानी थी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।